भगवान ने जो प्रथम उपदेश प्रारंभ किया, अशोचानन शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से गतासून गतासंश नानु शोचंती पंडितः। भगवान ने कहा कि जो विद्वान होते हैं, समझदार होते हैं, वो ऐसी बातें नहीं सोचते हैं। और भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश और तत्व का उपदेश किया द्वितीय अध्याय में, आत्मा क्या है, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नचैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। भगवान ने बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश किया। अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि भगवान, आपने ये बड़ा ज्ञान का उपदेश किया, तो अर्जुन ने प्रश्न किया, जायसी चेतकर्म नास्ति मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मा यो जेश केशव। भगवान, जब आप कहते हैं कि ये वो ज्ञान श्रेष्ठ हैं, तो आप मुझे ये कर्म में क्यों प्रवृत्त करा रहे हैं। भगवान उस सविस्तार विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं कि कर्म कैसे होना चाहिए। कर्म ऐसा होना चाहिए कि जो हम उसको समझ सके, उसको हम समझ करके कर्म करें, वो कैसा कर्म है, वो कर्म हमारे जीवन में आना चाहिए। क्योंकि तीन प्रकार के कर्म हैं, एक है कर्म, अकर्म और विकर्म। एक होता है शुभ कर्म, एक होता है अशुभ कर्म, एक होता है मिश्रित कर्म। हमारे जीवन में शुभ कर्म हो, अशुभ कर्म न हो, ये भी समय कुछ मिश्रित हो जाते हैं, उन कर्मों को समझ करके हम आगे बढ़े। इसलिए भगवान ने अनेक प्रकार के उपदेश किए, और वो उपदेश कर्म को समझने के लिए, कर्म को समझ करके जब हम ठीक करेंगे, तब हमें जीवन में उपासना प्राप्त होगी। सुनने मात्र से नहीं होगा, अपने को उसके लिए उद्यम करना पड़ेगा, उसके लिए अपने को करना पड़ेगा। वो जो कर्म है, किम कर्म किम कर्मेति कवयोपितः, कौन सा कर्म है, उसमें बड़े महान लोग उसमें मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि कौन सा चाहिए। गहन गति, भगवान ने कहा कि कर्म की गति बड़ी गहन है, उसको समझना चाहिए। परंतु समस्या ये है, कर्म किए बिना भी नहीं रह सकते हैं। जो जीव इस, हम लोग कम से कम, कोई भी जीव बिना कर्म किए नहीं सकते हैं। हम नित्य कर्म कर रहे हैं, कोई ना कोई कर्म करते हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। हम यहां बैठे हैं, हमारे कुछ शारीरिक कर्म होते हैं, हम आपको देखते हैं, आप हमें देखते हैं। अभी एक नया एक नाटक शुरू हुआ, इसको भी आप देखते हैं। ये कहीं ना कहीं मन जाता है, आपकी इंद्रिया जाती है, और कहीं आपकी चाबी आपके जेब में आई हो तो आपका मन का, अरे घर क्यों रहते खुल से, वहां हमें कुछ खोजेंगे, वहां जाना चाहिए, तो मन में चिंता आई। आपका मन का भी मानसिक चल रहा है, शारीरिक कर्म भी चल रहा है, ये कर्म कभी समाप्त होता नहीं है, तो कर्म है। परंतु आपका ऐसा हो, वो कर्म आपको शुभ प्रवृत्तियों में लगाए, और शुभ प्रवृत्तियों में लगाने के लिए जो कर्म होता है, वही आगे का आपका रास्ता है। इसलिए कर्म को समझना तो आवश्यक है। अगर आपको आत्मा की प्राप्ति, आपको भगवान को प्राप्त करना है, आपको स्वर्ग को प्राप्त करना, आपको उच्च लोक को प्राप्त करना है, तो आपके भीतर कर्म को, कौन सा कर्म करना चाहिए, जो शास्त्र विहित कर्म है उसको शुभ कर्म कहते हैं, शास्त्र निषिद्ध कर्म है उसको अशुभ कर्म करते हैं, और कुछ हम लोग जानते हैं लेकिन करते नहीं है। पता भी होता है कि ये कर्म करने से ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग ऐसा कर्म करते हैं,
और कुछ अच्छा भी करते हैं, कुछ मिश्रित कर्म करते हैं, और कर्म हमारे साथ चलते हैं, तब तक हमें जन्म और मृत्यु का अपने को छुटकारा नहीं मिलता है जब कर्म समाप्त न होते हैं। कर्म पर विचार करने के लिए सारे हैं, और कर्म के विषय में जैसे भगवान ने भी भगवान को भी कहना ना कर्मनोगति, कर्म की ग्रंथि को, उस गांठ को संत लोग उसको खोलने का प्रयत्न करेंगे। आज एक हमारे विश्वी प्रज्वलन करने के लिए आने वाले थे स्वामी शिवेंद्रपुरी जी, शरीर है तो उनका नाम नहीं आ सकते हैं, तो दीप प्रज्वलन में कष्ट होता है तो हम लोगों ने कर दिया है? कोई कष्ट हुआ लेकिन वो आते तो अच्छा लगता, आप आए तो संत लोग आए हैं, अभी मंच थोड़ी देर में भरने वाला, स्वामी मोहनानंद जी आने वाले हैं, स्वामी अद्वितानंद जी आने वाले हैं, लोग आएंगे तो अभी जो मंच है हमारे यहाँ के नित्यकार आचार्य नंदी महाराज, इस मंच को और कर्म पर हमारे अपने अपने चिंतन, अपने अपने अभ्यास, अपने अपने कि कर्म कैसा करना चाहिए ताकि हमारे उपासना करने की शक्ति हो जाए। कर्म तो संस्कार के लिए करते ही हैं, परंतु परमात्मा क्योंकि जाना नहीं, ये तो सब जानते हैं। सुबह किसी की बात हो रही थी तो हमने कहा आने के मार्ग अलग अलग हैं परंतु जाने का मार्ग एक ही है, जाना तो है सब, परंतु साथ में ले क्या जाना, क्योंकि आप जो मकान बनाएंगे वो भी हैं, आपके बैंक में जो कुछ द्रव्य होगा पैसे भी नहीं ले जा सकते हैं, या आपके पास एक छोटी सी सुई भी हो वो भी नहीं ले जाए, तो ले क्या जा सकते हैं। तो जो आप जीवन में अच्छे जब कर्म करेंगे, जब आपके जीवन में शुभ कर्मों का भंडार होगा तो आगे वाले जीवन में आप बड़े व्यक्ति, आजकल जो बोलते हैं ना बड़े बड़े जिनके पास धन है, शुभ काम किया होगा, परंतु पर्याप्त नहीं है, हमारे हृदय में